हेलो स्टूडेंट्स ऑन दिस वीडियो विल डिस्कस चैप्टर नंबर फोर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इट मींस इट्स अ जर्नी विच स्टार्ट्स फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग एंड अंड ऑन ग्रोइंग फूड इन दिस चैप्टर विल डिस्कस न्योलिथिक पीरियड बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर्स में चैप्टर वन में चैप्टर टू और थ्री में हमने पहले पेलोलिथिक पीरियड डिस्कस किया फिर मेजोलिथिक पीरियड डिस्कस किया इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्योलिथिक पीरियड जिसने ह्यूमन लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया कैसे चेंज किया बेटा विद द डिस्कवरी ऑफ जिसकी डिस्कवरी से एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ से ह्यूमन ने कल्टिवेशन स्टार्ट किया डोमेस्टिकेशन ऑफ़ एनिमल स्टार्ट किया और फिर अपनी नोमेडिक लाइफ को गेव अप कर दिया नोमेडिक लाइफ को छोड़ दिया और वो धीरे धीरे सेटल होने लग गया अब अच्छा जब भी हम एग्रीकल्चर करेंगे हमको सेटल होना ही पड़ेगा ऐसे होता है कि आज मैंने सीड ग्रो किया और कल मुझे फुल फ्लैज प्लांट मिल गया इज इट पॉसिबल कि मुझे प्लांट फ्लावर फ्रूट सब एक ही दिन में मिल जाएगा नहीं ना इट टेक्स टाइम इट टेक्स एटलीस्ट थ्री मंथ फोर मंथ तो थ्री मंथ फोर मंथ तो मुझे एक जगह वेट करना पड़ेगा ना जहाँ मैंने सीड ग्रो किया है जिस सॉइल में वही मुझे रहना पड़ेगा सो दैट आई कैन हैव फ्रूट फ्लावर्स रूट्स ऑल्सो तो सेटल डाउन होने लग गए बच्चा क्योंकि आज सीड लगाने पे कल हमको फ्रूट नहीं मिलेगा इट टेक्स टाइम जब वो टाइम लग लेगा तो हमको वहीं वही रहना पड़ेगा पहले सिर्फ गैदरिंग का काम करते थे नियर बाई एरिया में जितनी फ्रूट्स रूट्स और एडेबल चीजें मिली उन सबको गैदर किया कंज्यूम कर लिया देन हंटर टू हर्डर्स जो भी नियर बाय एरिया में ऐसे एनिमल मिला जिसको हम हंट कर सकते थे उसको हंट किया और खा लिया अब वो हंटर से क्या बन गया है बेटा हर्डर बन गया है ठीक है पहले फूड गैदरर था अब फूड प्रोड्यूसर है पहले हंटर था अब वो हर्डर भी बन गया है ग्रेजुअल प्रोसेस बच्चा एक दिन में कोई चेंज नहीं होता है सो फर्स्ट फीचर ऑफ न्यूलिथिक पीरियड इज दैट अर्ली पीपल स्टार्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग सो स्टूडेंट्स वट हैप अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व थाउजेंड ईर अगो देयर वॉज अ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन कंपेटिवली वम कंडीशन आई अब वार्म कंडीशन से क्या हुआ बच्चा ग्रास लैंडस बहुत बढ़ गए अब स्टूडेंट्स आप सब लोग थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ अगर ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा होंगे अगर ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स तो लॉय टाइगर ज़्यादा होंगे होंगे कि बी ओर डी ऑर और क्या बियर नहीं सॉरी डियर गो शिप ज़्यादा होंगे गियर डी गो शिप ये ज़्यादा होंगे बिकॉज दीज आर हार वी बोर्स अगर ग्रास लेंथ होगा तो हार वी बोरस का नंबर बढ़ जाएगा पर स्टूडेंट्स जब हार वी वोडोस अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे तो कारनी बोर्डस भी बढ़ जाएंगे आरूकेटिंग माई पॉइंट से क्या होता है यहाँ पर ये रही ग्रास ग्रास को खाया किसने बचा हार्वी बोरस एनिमल ने और हार्वी बोरस एनिमल को किसने खाया कार्निवोरस में तो अगर ग्रास लेंट्स हैं तो हार्वी बोरस ज़्यादा होंगे और हार्वी बोरस ज़्यादा हैं तो कार्निवोरस भी ज़्यादा नंबर्स में होंगे क्योंकि उनको भी फ्रूट इजिली अवेलेबल होगा तो यहाँ से एनिमल्स के नंबर में इंक्रीज आना स्टार्ट हो गया यहीं पर ग्रीनस भी इंक्लूडेड हैं इसी इसी टाइम में ग्रीनस भी ग्रो होना स्टार्ट हुई जैसे बीट बार्ले राइस ग्री नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ग्रेजुअली वीट बार्ले राइस ने भी ग्रो करना स्टार्ट किया था स्लोली द प्लान्टन एनिमल दैट पीपल यूज एज अ फूड इज स्टार्ट चेंजिंग अब फूड थोड़ा सा चेंज हो गया एनिमल भी थोड़े से चेंज हो गए मतलब लोगों को और ज्यादा और ज्यादा बना दिया ठीक है उन लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर धीरे 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 बढ़ी और ज्यादा विलिजेंट हो गए वो लोग दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट इज़ हाउ ग्रेन्स बरीड इन दॉयल ग्रो एंडेड क्रॉप्स अब उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया कि कैसे हमने सीड को ग्रो किया पूरा के पूरा प्लांट ग्रो हो गया और वहाँ से हमको क्या मिल गई फूड क्रॉप तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें हमको मतलब हमें नहीं उस टाइम तो में अगले पीपल को ऑब्जर्वेशन से आई पर एव दिस एनकरेज दू लुक आफ्टर द प्लांट और इससे वो लोग प्लांट की तरफ देखने लगे प्लांट लाइफ को समझने का उन्होंने ट्राई किया सीजनस को समझा कौन सा प्लांट किस सीजन में है ये चीज़ें उनको समझ में आई इन दीज दे पीपल प्रोबेबली बिकम फार्मर एंड इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर धीरे 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 जब उसको पूरा नॉलेज हो गया दिस पर्टिकुलर क्रॉप दिस पर्टिकुलर प्लांट ग्रो इन दिस मंथ मचोर पीरियड इज दिस कैसे लगता है कितना पानी चाहिए होता है बिना पानी के लग जाता है क्या ये सब उसने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली ही बिकेम फार्मर वीट एंड बार्ले आर द फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन कौन सी uh, बचा वीट और जो बार्ले था ये पहले सीरियल्स थे जिन्होंने जो ग्रो हुए लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड कल्टिवेटिंग मोर फूड क्रॉप्स लाइक राइस लैंटिल्स कॉटन जूट एक्सेट्रा

का यूज किया क्यों सिंपल एग्रीकल्चर टूल्स थे ये जिनकी हेल्प से उन्होंने उस टाइम में काम करना स्टार्ट किया दे हार्वेस्टेड क्रॉप फ्लिंट सिक्कल आपको पता होगा सिक्कल आप लोगों ने देखा भी होगा शायद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर है बातें बच्चा एग्रीकल्चर टिल इंडियन मोर देन सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन डायरेक्टली और इंडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली तो क्या इसकी डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस होगा या नहीं होगा स्ट्री में है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है पीपल ना बिकेम फूड प्रोड्यूसर फ्रूम फूड गैदर अब जो उस टाइम के जो अगली पीपल थे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए फूड गैदर नहीं रहे बस देर लाइक चेंज फॉर बेटर उनकी लाइफ बेटर के लिए चेंज हुई दे बिगेन टू गिव अप देर नोमेडिक लाइफ एंड स्टार्टेड सेटलिंग डाउन धीरे धीरे उन्होंने अपनी नोमेडिक लाइफ को बाय बाय बोल दिया और वो सेटल होकर रहने लग गए बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन अर्ली विलेज पीपल हु ग्रो क्रॉप टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम This is because a seed in the soil takes some time to grow and ripen. कुछ टाइम में वो ग्रो करेगा फिर कुछ टाइम में mature होगा और फिर कुछ time में वो ripe होगा ग्रो करना मतलब जहाँ पे आपने उसका शीट शूट सिस्टम देख लिया वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया फिर वो मेच्योर होगा मेच्योर होने के बाद वो राइप होगा और रिपिन होने के बाद फिर आप उसको कट कर सकते हैं इट टेक्स टाइम ना समवेयर इट टेक्स सेवरल डेज समवेयर वीक समवेयर मंथ और इन सम केसेस ईयर कुछ कुछ जो क्रॉप्स हैं वो तो ईयर्स में होती हैं कुछ मंथ में होती हैं कुछ डेज में होती हैं

जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो भी आ जाएंगे तो वो हमारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन ले, ले लेंगे वाटर ले, ले लेंगे तो हमको उनको वीट देम करना है उनको उखाड़ के बाहर फेंक देना है फिर जित कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे वीट राइस और एनी अदर सीरियल अगर इनकी क्रॉप लगी हुई है तो अगर ये ह्यूमन बींग खा सकता है तो इसको टीय शेप गोट का ऊपर पफल सब खा सकते हैं ना बच्चा तो उससे भी तो आपको सेव करना पड़ेगा अपनी क्रॉप को ऑल दीज आर डेंटिल ग्रेन्स रिपन ये तब तक करना है जब तक एक बार फसल पक नहीं जाती मच्योर नहीं हो जाती देन द ग्रेन्स हैव टू यूज केयरफुली फिर उसको ग्रेन निकाल के उसको केयरफुल यूज़ करना है दे हैव टू बी स्टोर्ड टू बी यूज बोथ हास फूड एंड सीड अब बच्चा पूरे के पूरे फूड uh, को आप ख़त्म कर दोगे तो फिर सीड कहाँ से लाओगे सीड के लिए भी बचाना पड़ता है तो सपोज करो आपने बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया तो फिर आपको उसकी कुछ क्वांटिटी को सीड आने वाले टाइम में आने वाले सीजन में सीड की तरह यूज़ करना है तो कुछ को आप फूड की तरह यूज़ कर लो और कुछ को रिजर्व करके रखो कि हम जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो इसी का यूज़ किसकी तरह करेंगे सीड की तरह करेंगे ऑल दिस प्रोसीजर बाउंड न्योलिथिक पीपल टू गिव अपडिक लाइफ अब इतने प्रोसेस में पानी देना है बीड्स को हटाना है बड्स को अलग रखना है एनिमल्स को नहीं आने देना है फील्ड में फिर कुछ फूड को यूज़ करना है कुछ को स्टोर करना है तो इस तरीके से तो बच्चा आप नोमेडिक लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है तो नोमेडिक लाइफ को आपको छोड़ देना है सेटल लाइफ में आ जाना है सब सेटल लाइफ में आए तो फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी फील्ड के पास में ही हाउसेस बनाना स्टार्ट किए दे ना बिल्ट मड हाउसेज विथ टैचड रूफ टैच रूफ वो ऐसी वाली रूफ़ होती है ना जहाँ पर हम लोग वो बहुत सारे किसी भी हश मतलब क्या बोलोगे आप जो सूखी घास होती है उसको रखा से झोपड़ी नहीं बना लेते हो टेस्ट रूफ़ उन्होंने बनाए मड हाउसेस थे फिर वो लोग ग्रुप्स में रहने लग गए और वो ग्रूप्स फाइनली क्या बन गया बचो स्मॉल विलेज क्या इतनी बातें समझ में टेस्ट हाउस टेस्ट रूफ्स मड टेस्ट रूफ मतलब ऐसे वाले जो रूफ होते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट रूफ ठीक है अब इसके ऊपर आप लोग क्या रखने वाले हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कुछ लोग जो सूखी हुई घास वगैरह होती है ना वो भी रख लेते हैं दिन स्टार्ट लिविंग इन ग्रुप स्मॉल Which form of settlement is called village? Kisko village The basic feature of village is that most people who live there are engaged in food production. The first feature of village settlement is that whoever is living there are engaged in food production. Okay. Now the environmental changes that took place around 12,000 years ago also led to an increase in number of animals. ओके okay, मैंने पहले बताया कि नंबर बढ़ गए क्योंकि ग्रासेस हैं तो एनिमल्स बढ़ गए नाउ पीपल नाउ बिगिन टू टेक इंटरेस्ट इन दिज एनिमल एंड फॉलो दैम फॉर लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स सी ग्रेजुअली ह्यूमन आल्सो स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन एनिमल्स एंड देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग देयर मूवमेंट्स वॉट इज देयर फूड हैबिट्स वॉट टाइप ऑफ फूड देर रिक्वायर्ड दे आर ब्रीडिंग सीज इन ऑल देखो अब ह्यूमन बींग ऑब्जर्वेंट बन गया है तो वो ऑब्जर्व करने लगा कि कौन सा एनिमल किस पर्टिकुलर प्लेस पर रहना पसंद करता है उसका ब्रीडिंग टाइम का क्या है उसका फूड हैबिट क्या है वो हार्मुल है नहीं है ये सारी चीज़ें वो लोग नोट करने लगे ग्रेजुअली पीपल बिगेन टू थिंक अबाउट हॉडिंग एंड रेयरिंग धीरे धीरे उन लोगों ने उनको हॉर्ट किया रेयर किया अच्छा स्टूडेंट जब हम भी अगर हमको रेबिट दिख जाए या जो वाइट वाला जो पिंक वाला जो पिग होती है उसकी छोटी छोटी बेबीज दिख जाए काफ दिख जाए तो हम लोगों का भी मन होता है ना यार कि ये या हमारे पास होता है इसके साथ थोड़ी देर खेल लेते तो यही मुझे भी ऐसे लगता है कि यही वाली फीलिंग पहले उनके साथ आई होगी जब उन्होंने बेबी काफ काफ को देखा होगा बेबी पिंग को देखा होगा बेबी रेबिट्स को देखा होगा तो उनको ऐसे लगा होगा कि यार इसको तो हम एज अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यूज़ कर सकते हैं या कुछ और भी पर्पज़ रहा हो अब ये तो मेरी सोच से भगवान जाने तो उन्होंने उनमें इंटरेस्ट लिया उनके ब्रीडिंग सीजन को जाना और फिर उनको हर्ट करना स्टार्ट कर दिया पीपल लेफ्ट फूड फॉर देम एंड एनकरेज एनिमल लाइक शिप कैटल पिक टू कम नियर दैम्स वीयर दिलीप धीरे धीरे उन्होंने कुछ खाना बाहर घर के बाहर रखना स्टार्ट किया उनकी Uh, जो मर्ड uh, हाउसेज थे उसके बाहर रखा सो दैट गो कैटल पेट कम नियर द कैंपस और द कैंप्स वेयर दे लीड पीपल आल्सो प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम अटैक्स ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल जैसे किसी हारबी uh, को, को कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर रहा होता तो ये उसको उस हारबी पुरस की हेल्प करते थे इन दिस वे पीपल बिकम हॉर्डर और ग्रेजुअली ये हर्ड हर्डर बन गए और डॉग तो ऐसा है नहीं माले बच्चों आप उसको एक दो बार खाना दे दोगे तो वो ऑबियस सी बात है वो थर्ड टाइम आपके पास आएगा और जो भी आपने उसको फूड दिया उसके मतलब पता नहीं पर वो फिर आपके साथ रहना पसंद करता है आपको आपके लिए वॉचमैन का काम करने को रेडी रहता है करते हैं ना डॉग्स ऐसा Now, students, your teacher can ask for what is domestication. So, what is domestication, in students? It's a process in which people grow plants and animals. Now, in domestication, I plants animals It's called domestication. Why do uh, tamed plants that are tended by people generally become different from wild plants? This is because people select only those plants for domestication that are not prone to disease. अच्छा स्टूडेंट्स uh, हमने सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को चुना जिनमें आसानी से डिसीज ना लगती हो जैसे लार्ज साइज ग्रेन हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स दैट कुयर द वेट ऑफ राइपन ग्रेन ठीक है मतलब जिसकी ऐसे मोटे मोटा तना हो कि जिससे कि वो जो राइपन ग्रेन है उसके वेट को सहन कर सके ठीक है आपने किसको सेलेक्ट किया जिनमें इजीली डिसीज़ ना लगती हो जिनके ग्रेन्स बड़े हों जिनका स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो ठीक है ऐसे प्लांट्स को आपने सेलेक्ट किया डोमेस्टिकेट करने के लिए डोमेस्टिकेशन एनिमल्स और द फूड प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट डॉग्स हेल्प करते थे डेंजरस uh, और वाइल्ड एनिमल्स से ठीक है एनिमल जो थी कॉट छिप कॉट कैमल्स ये फ्रेश मिल्क आपको प्रोवाइड करते थे दे गुड ऑल्सो गेट मीट फ्रॉम गोड्स शिप एक्सेट्रा और जब हमारे पास फूड की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम जो गोड्स और जो शिप्स हमने टीम की है उसी को हम हमारा फूड भी बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट दज एनिमल दैट वी रियड कुड बी यूज दज स्टोर ऑफ़ फूड मेरी बात समझ में आ रही हो बच्चों अगर आपको ईजिली फूड अवेलेबल हो रहा है तो आप अपन अपन खा रहे हैं और आप अपने uh, पेट एनिमल्स को भी प्रोवाइड कराने बट समाइम्स सिचुएशन बिकम वर्स्ट एंड यू आर नॉट एबल टू फेड योर सेल्फ फेड योर एनिमल्स सो वट यू वैट टाइम यू स्टार्टेड ईडिंग दैट एनिमल ओनली बिकॉज मीट आप खा सकते हैं चिकन आप खा सकते हैं है ना तो अगर आपके पास हैन है तो आप चिकन खा लेंगे अगर शिप है गोट है क्या मिले है तो आप उसको खा लेंगे नाउ इट ऑल्सो वर्क स्टोर ऑफ फूड इतने एनिमल हमारे पास है तो इतना फूड भी हमारे पास सरप्लस में अवेलेबल है एज एंड वेन वी नॉट एबल टू फेच फूड वी कैन फूड ने हंटिंग ट्रिप्स पर जाना बंद कर दिया डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एग्रीकल्चर वर्क एनिमल जैसे बुलक्स हैं डोंकी हैं हॉर्सेस कैमल इन पे आप प्लो राइड कर सकते हो फील्ड के लिए हल चला सकते हो ना हल कौन चलाता है बच्चा एनिमल्स ही चलाते हैं ना दिज एनिमल प्रोवाइडेड मैन्योर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी इनसे जो आपको डंग मिलेगा का, डंग या ही किसी भी एनिमल का जो डंग मिलेगा उसको अगर आप, आप आपकी फील्ड में डालते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी सॉइल की फिर एनिमल ने एक और प्रॉब्लम सॉल्व की क्लोदिंग की दे प्रोवाइडेड वूल एंड स्किन विच पीपल यूज क्लोथ जब आपको क्लोथ की प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने में भी एनिमल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा वूल एंड स्किन ऑफ द एनिमल यूज क्लोथ सेट और आज भी हो रही है आज भी बोलशअप से ही मिलता है एनिमल स्किन से आज भी आप जितने भी फर कोच वगैरह बनते हैं वो किससे बनते हैं एनिमल स्किन से ही बन रहे हैं दिस डोमेस्टिकेशन नाव मेड ह्यूमन लाइफ मच ईजियर एंड सेफर जब से हमने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया एनिमल्स को हमारी लाइफ ईजी हो गई सेफ हो गई ठीक है द लाइफ्स ऑफ अरली हंड्रेड एंड गेदर सेव्ड बाई पार्शली होम एनिमल्स आई हेप दच एस क्लियर इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम and students animal multiply naturally है ना, besides if they are looked after carefully they provide us milk which is important source of food and we can say that animal that are reared can be used as a store of food मैंने आपको समझाया ना कि जब तक हमारे पास food available है हम उनको भी प्यार से रखेंगे, खुद भी खाना खाएंगे उनको भी खिलाएंगे but बेटा as and when required these animals worked as a store of food उनको इकट्ठा करके हम खा लेंगे फाइनिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर आप फर्स्ट फार्मर कैसे मिलेगा तो इस टेबल में आपको न्योलिथिक साइट्स के आर्क्योलॉजिकल सर्वेस की रिपोर्ट दी गई है फाउंड एविडेंसिस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स फॉर एक्जाम्पल ग्रेन एंड एनिमल बोन किस एनिमल की बोन मिली है कौन सा ग्रेन मिला है सच साइट्स आर फॉर्म ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट पूरे कॉन्टिनेंट में हर जगह ऐसी साइट्स मिली हैं बॉन्ड ब्रेन्स के रिमीनस भी मिले हैं दिस सजेस्ट दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट से ये पता चलता है कि बहुत सारी क्रॉप्स सब कॉन्टिनेंट में ग्रो होती थी साइंटिस्ट मेनली स्टडी एविडेंसेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट वर सेटलमेंट ऑफ वार्मन एंडरसोट नॉट बेटा जो आर्कियोलॉजिस्ट है साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की और पता लगाया है किसकी स्टडी करके प्लांट और एनिमल बोन की वट एवर साइट दे हैव फाउंड इट बिलोंग्स टू हर्डर्स और नॉट अब हम पढ़ेंगे टेबल फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेहर कहाँ है बच्चा पाकिस्तान कहाँ पर है ये लोकेटेड पाकिस्तान यहाँ पर हमको मिला वीट और बार्ले और एनिमल्स किस किस एनिमल की बोन मिली है बच्चा शेप गोट कैटल देन बुरजुन बुरज में मिला है बेटा वीटल गेहूँ और दालें जो रिमेन्स मिले हैं बोन्स के वो कौन से एनिमल थे डॉग कैटल चेप गोद बफेलो और कहाँ पर है बुरजोम कश्मीर में है गुफ्टल भी कहाँ पर है बच्चा कश्मीर में ही है यहाँ पर क्या मिला वीटन एंड लिंटन सेम तो अगर आपसे पूछे कश्मीर में दो न्योलिथिक साइट्स के नाम बताएं तो आप क्या बताएंगे बुरजोंम गुफ्ट्रल फिर है कोलडिवा कोलडिवा में मिला है राइस फ्रेग फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स एंड कहाँ पर है कोरडिवा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भी दो साइड्स आपको मिलेगी महाग्रा और कोल्डिवा महाग्रा और कोल्डिवा दो साइड्स आपको कहाँ मिली हैं बच्चा उत्तर प्रदेश में दोनों में ही राइस मिला है वीट एंड लंडन वीट एंड लंडन मिला आपको कश्मीर में महलगढ़ में आपको मिला व्हीट और बार्ले दोनों नेक्स्ट साइड है चिराव यहाँ पर मिला व्हीट ग्रीन ग्राम बार्ले तीन चीजें मिली बच्चा यहाँ व्हीट ग्रीन ग्राम बार्ले ठीक है एनिमल के बोन्स कौन से मिले हैं बच्चा बफेलो और ऑक्स और कहाँ पर है ये बिहार में चिराग बिहार महागर अच्छा महागर मैंने बोला क्यों नहीं महागर नहीं बोला ना महागर में कैटर मिले हैं हुफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेसेस कहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुफ मार्क्स मिले हैं कहते पर क्ले सरफेसेस पे हूफ मार्क्स पर क्या होता है बच्चा हिंदी में उसको बोलते हैं खुर ठीक है जैसे सींग होते हैं आपने देखा है एनिमल्स के वैसे उनके पैरों में जो होता है हुफ हुफ के मार्क्स मिले हैं क्ले सरफेसेस पे कैटल के ठीक है फिर उत्तर प्रदेश में क्या है महागर कोडली वहाँ उत्तर प्रदेश में ही है वहाँ पर फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स मिली है अलग अलग टाइप की जो जो थोड़ी सी टूट फूट गई है, वैसी बोन्स मिली हैं फिर आता है हलूर हलूर में मिला है मिलेट कहाँ पर हलूर आंध्र प्रदेश में है फैम फली ब्लैक ग्राम मिलेट मिला ये भी आंध्र प्रदेश तो यहाँ सब की दो दो साइट है सिर्फ़ एक महर है पाकिस्तान की एक और बिहार की चिराड एक बाकी उत्तर प्रदेश से दो कोडलीवा महर कश्मीर से बुरजोहम गुरफकल आंध्र प्रदेश से अलूर और फैम अब आपको लग रहा होगा मैम बार बार इसलिए बोल रही है बिकॉज अगर मैं भी पेपर बनाऊंगी तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगी राइट डाउन टू नेम्स ऑफ इज लोकेटेड इन कश्मीर तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कश्मीर में कौन सी है या मैप में आ सकता है ठीक है

जिसको यहाँ कश्मीर में है ही बुरज़ु हम कहाँ पर कश्मीर में ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा लगती है बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है ठीक है तो इस लड़की ने सोचा कि ये जो हवाएं हैं हवाएं तो इस लेयर पे चल रही है ना नीचे थोड़ी ना जाएंगी तो शी स्टार्टेड डिगिंग द लैंड उसने लैंड को डिग करके ऐसे पिट बना लिया सपोज इस लैंड को यहाँ डिग करके ऐसे पिट बना ली इस, इस हाउस को उसने क्या बोला पिट हाउसेस क्योंकि जो भी हवाएँ चलेंगी वो यहाँ चलेंगी ना बच्चा फिर से देखो मैं बताती हूँ ये घर बन गया आप जो हवाएं चलेंगी वो तो यहाँ चलेंगी हवाएं ऐसे थोड़ी तो चलेंगी ठीक है तो यह यहाँ पर सेफ्टी से खुश होके वो लड़की यहाँ पर रहने लग गई बुर्ज होम में आपको पिट हाउसेस मिलेंगे दिस हाउसेज वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स स्टेप्स होती थी उसमें आ, मतलब सीढ़ियाँ होती थी दिस हैव प्रोवाइड शेल्टर टू तो पीपल स्पेशली इन कोल्ड वेदर कोल्ड वेदर के लिए उन लोगों ने क्या बनाया बच्चा पिट हाउसेज फिर कुकिंग हर्ड्स मिले हैं कुकिंग हट्स हैव बीन फाउंड इन बुरजों में कुकिंग हर्ड्स भी मिले हैं इनसाइड एंड आउटसाइड बहुत द प्लेसेस कई बार वो हो सकता है घर के अंदर खाना बनाते हो और कई बार घर के बाहर भी खाना बनाते होंगे ठीक है इंडोर आउटडोर वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता होगा बारिश होगी तो घर के अंदर बहुत ठंडी है तो घर के बाहर जब गर्मियों का सीज़न होता है समर सीज़न तो इवनिंग बहुत प्लीजेंट होती है तो इवनिंग में बाहर आ सकते हैं ठंड में दिन में बाहर आ सकते हैं रात में भी रुक सकते हैं ठीक है पर बारिश में तो हमेशा अंदर टूल्स अगर हम न्योलिथिक साइट्स के टूल्स की बात करें तो टूल्स एंड वेपन्स वर हाईली एडवांस्ड एज़ कम्पेयर टू अर्लियर पीरियड्स न्योलिथिक साइड में पेलियोलिथिक साइड या मिजोलिथिक साइड से ज़्यादा एडवांस क्या थे बचा टूल्स से द स्टोल्स स्टोन टूल वर वेल शेप्ड एंड पॉलिश उनके ऊपर पॉलिश होता था और बढ़िया शेप to give them fine cutting edge ये जो मतलब होता है किनारा mid size hunting tools were made by many other purposes hunting के अलावा भी बहुत सारे purposes थे जिसके लिए tools बनाए जाते थे जैसे ex forest को clear करने के लिए sickle harvesting के लिए कुलाड़ी से कुलड़ी बोलेंगे ना पेड़ों को काटना सिकल सिकल का हिंदी मुझे याद नहीं रखे यहाँ बोलते हैं जो ऐसे बोलते हैं मम्मी से पूछना वो बताएँगे क्या होता है दराता दराता, दराता, दराता बोलते हैं हम लोग पता देखना क्या बोलते हैं ठीक है मोटर एंड पैसल फॉर ग्राइंडिंग रेंगस जो एक ऐसे होता है उसके ऊपर ऐसे औखली होती है ना तो मोटर इससे कूटता है तब यहाँ पे चीज़ों को ग्राइंड किया जाता है मोटर पैसल सिक्कल एक्स ये सब इस टाइम में बनने लग गई थी बोज एरोज फॉर हंटिंग बोज एरोज बने थे स्टोन एक्सेज एंड वुडन हैंडल्स वॉर रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ वर्कमैनशिप वुडन हैंडल एंड एक्स कुल्हाड़ी का होना ठीक है उसके ऊपर ऐसे एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ हाँ ये एक रिमार्केबल प्रोग्रेस थी कि हाँ भाई इस टाइम इन लोगों को बहुत दिमाग आ गया था वर्कमैनशिप आ गई थी ठीक है स्टूडेंट्स आप विलेजेस में जाएंगे तो मोटर पार्सल्स पैसल्स मोटर और पैसल्स का यूज़ आज भी आपको मिलेगा मतलब आज सेवरल थाउजेंड ईयर बाद भी हम मोटर और पार्सल्स को मोटर्स और पैसल्स को यूज़ कर रहे हैं मतलब मोटर और पैसल्स का यूज़ सिर्फ विलेजेस में नहीं हो रहा है आप लोग जब मास्टर शेफ वगैरह देखते हैं तो मास्टर शेफ में भी उनके पास वो छोटा छोटा मोटर और छोटा छोटा पार्सल होता है वो लोग भी बोलते हैं कि जब आप मिक्सर में ग्राइंड करते हैं तो वो पूरा ग्राइंड हो जाता है थोड़ा कोरस ग्राइंड करने के लिए आप मोटर पैसल का यूज़ किया करो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं पर मैंने तो देखा है पैलोथिक टूल्स वर यूज़ साममल्टेनियसली विथ न्यू टूल्स ठीक है बोन टूल्स फर ऑल्सो वाइडली यूज डूरिंग दिस पीरियड पड्डियों से बने टूल्स का भी इस टाइम में बहुत यूज़ था दीज इंक्लूड हारपोन फॉर फिशिंग फिशिंग के लिए जो हारपोन बनाए जाते थे उसमें बोन का यूज़ होता था निडल फॉर स्वंग एंड एरो हैड एरो का जो हैड बनाना होता था ये जो एरो का जो हैड बनाना होता है ना उनको ये हेड निडल सूई जिससे आप सिलते हैं वो चीज़ों को वो वो सब बनाने के लिए पोन्स का यूज़ होता था स्पियर हेड डाइगर्स फॉर हंटिंग स्पियर हेड बनाना है डैगर बनाना है हंटिंग करने के लिए एरो हेड बनाना है स्विंग के मडल बनाना इन सब के लिए किसका यूज़ करते थे बचाओ बोन टूल का नेक्स्ट इज पोट्री ठीक है आर्कियोलॉजिस्ट साइट से अर्धन पॉट्स मिले हैं दे डेकोरेटेड कुछ टाइम डेकोरेटेड अर्दन पॉट्स भी मिले हैं ये एक एक्जाम्पल है पीपल यूज दिस पॉट्स फॉर स्टोरिंग थिंग थिंग्स को स्टोर करने के लिए पॉट्स का यूज़ होता था दे स्टोर ग्रेन्स फॉर बोथ यू फूड एंड सीड कुछ ग्रेन को खाने के लिए यूज़ करना है कुछ को आने वाले ई टाइम में सीड्स की तरह यूज़ करना है इन मेनी ईयर्स दे ऑल्सो वो बास्केट एंड डेक पेट्स इन टू द ग्राउंड टू स्टोर ग्रेन्स उन्होंने बास्केट में ग्रीनस को रखा ऐसे पिट हाउसेज बना देते थे अंडरग्राउंड यहाँ पर ग्रेन्स को रखा कि फिर इसको कवर कर देते थे जब नीड होती थी, थी तो इसको खोल कर निकाल लेते लेटर लेटर पीपल बिगेन टू यूज़ पॉट्स फॉर कुकिंग फूड आइटम्स लाइक राइस वीट लैंड फिर धीरे से जब उनको लगा कि अब हमको कुक फूड बनना चाहिए तो उसको भी उन्होंने किस में पॉट्स uh, में कुक करना स्टार्ट किया आज भी विलेजेस में देखोगे तो पॉट्स uh, का यूज़ होता है फॉर कुकिंग राइस को कुक करना है वीट को कुक करना है दालों को बनाना है लाइन को कुक करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉड्स की और ये रही बास्केट जो उस टाइम में बनी है क्लोदिंग कपड़ों का क्या स्टेटस था इन द स्पीरियड पीपल बिगिन टू वीव क्लोथ बाई यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल सच एज वूल कॉटन जूट इस टाइम में इन लोगों ने कपड़ा बनाना भी सीख लिया था सोचो बेटा सोचो वूल कॉटन जूट से इन्होंने मटेरियल बनाना स्टार्ट कर दिया था वीविंग स्टार्ट कर दी थी

ऑफ दियर शेल्टर्स उन जिनका जहाँ पर वो रहते थे उनका जो सेंट्रल शेल्टर था घर था उसकी वॉल्स पे वो लोग पेंटिंग करते थे एंड स्लेब्स और जो भी स्टोन स्लेब्स पे स्टोन पे ये लोग क्या करते थे पेंटिंग करते थे अ स्टोन स्लेब विथ हंटिंग सीन क्राफ्ट ऑन इट हैज बीन फाउंड पेंटिंग मिली है समझ में आ रही है बात जहाँ पर एक है ह्यूमन बींग किसको हंट कर रहा है किसी भी एनिमल को हंट करता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है इट चोज टू हंटर हैविंग अ लॉन्ग स्पियर एंड अबो एंड एरो टू हंट डियर यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चा डियर हंटिंग की बात हो रही है देखो तो किसी के पास स्पियर है किसी के पास एरो है इस तरीके से ये लोग क्या करते थे हंट करते थे और बेसिकली इस इस फोटो में किसकी हंटिंग हो रही है डियर की हंटिंग हो रही है डिविज़न ऑफ लेबर सेटल लाइफ लाइट टू सम काइंड ऑफ डिविजन ऑफ लेबर अब जैसे सेटल लाइफ हो गया डिविजन ऑफ लेबर हो गया एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन हो गया ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब क्या ही कर देते हैं एग्रीकल्चर विकिंग हर्डिंग पोइट्री फिशिंग स्पिनिंग एंड वीविंग बिकम इम्पॉर्टेंट अब एग्रीकल्चर के साथ साथ देखो टूल मेकिंग का काम भी हो गया ठीक है कोई व्यक्ति टूल ही बना लेगा कोई एनिमल को हॉर्ड कर लेगा फिर पोट्री भी इम्पोर्टेंट थी फिशिंग होने लगी स्पिनिंग होने लगी वीविंग का काम आ गया तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर वेरियस वर एरियाज सो स्टूडेंट्स कुछ लोगों ने पोट्री का काम अच्छे से किया किसी ने वीविंग के काम में मास्टरी ले ली इन दिस वे डिविजन ऑफ लेबर वर देयर इन न्यूलिथिक पीरियड अब रिलीजियस बिलीव की अगर हम बात करें तो रिलीजियस बिलीव जो था न्योलिथिक पीरियड का वो ये था कि नेचुरल फेनोमिना इन नेचुरल थिंग्स को रेस्पेक्ट करते थे प्लस वो नेचुरल फेनोमिना को कभी समझ भी नहीं पाए बच्चा उनका रेस्पेक्ट करते थे उनसे डरते थे पर कभी उनको समझ नहीं पाए वर अफ्रेड बाय लाइटनिंग जब भी बिजली कड़कती थी थंडर रेन और फ्लड आ जाती थी या कोई आ जाता था तो उनको लगता था कि पता नहीं क्या हो गया कोई गलती शायद उनसे हो गई जिसके जिससे कोई उनसे नाराज़ हो गया और उनको पनिश करने की कोशिश कर रहा है जैसी लाइटनिंग आती है वो डर जाती थंडर बिजली चमकने की आवाज़ आती है कड़कने की आवाज़ आती है वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा रेन होती है फ्लड आ जाती तो वो परेशान हो जाते हैं मतलब वो कभी एनालाइज ही नहीं कर पाएगी थी इज नेचुरल फैन लाइटनिंग होगी थंडर होगा रेन होगी ज़्यादा रेन होगी तो फ्लड होंगे चलो अर्थक्विक छोड़ दो अर्थक्विक कभी कभी आते कहीं कहीं आते तो रह रहे पर ये सारी चीजें तो कॉमन है उनको समझनी चाहिए थी पर वो समझे नहीं इसलिए वो इन सारी चीज़ों से डरते थे they regarded them as mysterious. Mysterious. ये सारी चीज़ें मिस्टीरियस लगती थी दैट इज दे बाई टू वर्शिप सन मून रेन थंडर थंड एट्रा एट्सेट्राई मीन्स जो जो चीजों से उनको डर लगता था सबको वर्शिप करने लगी सन मून रेन थंडर लाइटिंग ये परफॉर्म सेरेमनीज टू प्लीज दैम और इनको प्लीज़ करने के लिए वो बहुत सारी सेरेमनीज़ भी करने लगे आज भी बच्चे जो छोटे वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बारिश के मौसम में जब लाइटनिंग और ठंडर होता है तो डर जाते हैं ना और किसी मूवी में भी जब भूत भूत का सीन दिखाना होता है तेज तो तेज जवाएँ चलने लगती हैं बिजली कड़कती है बारिश पड़ जाती है ना ऐसे दिखाते हैं ना मतलब ये चीज़ें डरावनी होती ही हैं तो वो लोग डरते थे उनको साइंस वगैरह पता नहीं था उस टाइम में नहीं देखा आपने मूवीज कहीं कोई भूत आने वाला होता है तो सही लाइट्स बंद हो जाती हैं फिर तेज तेज हवा चलेगी फिर बिजली खड़केगी फिर खिड़की खुलेगी है ना ऐसे होता है ना फाइंड्स दैट द प्रेजेंटेड ट्राइब्स फॉलो सर्टेन कस्टम एंड प्रैक्टिस ऐसे लगता है जो प्रेजेंटेड ट्राइबल पीपल हैं वो उन्हीं कस्टम प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं जो उस टाइम में लोग करते थे अर्ली पीपल न्यूलिथिक पीपल फॉलो करते थे सो वी शुड स्टडी अबाउट ट्राइब्स टू नो अबाउट द कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूलैथिक पीरियड सो एम एंड डिस्कस इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो